लेकिन एक बार प्रेमी जोड़े का प्यार ऑनर किलिंग की भेंट चढ़ गया। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे रिश्तों का खून। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss, the fun and refreshing mouth freshener. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझो, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझो, एक परफेक्ट स्टूडेंट बनो। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे। क्या कोई शख्स एक लोटे और थाली के लिए किसी की जान ले सकता है? ये बात सुनने और समझने में आपको थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन हमीरपुर के गांव में घटी है ऐसी ही एक वारदात, जहां पुराना कीमती लोटा और थाली बन गई एक युवक के कत्ल की वजह। मामला एक ही परिवार का है, जहां चाचा ने अपने ही भतीजे की कर दी बेरहमी से हत्या। बंटवारे की आग, थाली और लोटे ने ले ली एक शख्स की जान, बंटवारा बना कत्ल की वजह, बेरहम चाचा ने की भतीजे की हत्या। रोता फिरकता ये परिवार, जिसके घर का किरा अब बुझ चुका। इस मासूम के सर से पिता का साया छिन गया। दिल को झकझोर देने वाली हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया बुंदेलखंड इलाके के हमीरपुर जिला के चंदूली तीर गांव में, जहां सियाराम नामक 35 वर्षीय युवक का उसके ही सगे चाचा ने अपने परिवार के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। पारिवारिक कलह और रंजिश के चलते हत्या की वजह बना खानदानी लोटा और थाली। लोटा थाली है जो कुछ सामान के बारे में लड़ाई का झगड़ा हुआ है, बस इतनी ही जानकारी है। और ये दयाशंकर, बलवीर, गयावती और एक बच्ची को नाम नहीं आ रहा है, औरत को नाम नहीं बता सकती क्या नाम। बाबा खत्म बाई सब बांट के लड़ाई है, तो यह घर में रहा है, घर पे चाचा और वही क्या लड़का दयाशंकर, दयाशंकर का लड़का और मेरी दुई बिटिया लखेत के कुल्हारा परसा ले रहा है, तो भाग गया, तो भागे में बैर गाँव पागे तो वही कुतर भी नहीं। अब मैं गांव का गोरावत रही हूँ की दौरा रे लख लखे दे ले जाता है, दौरा रे लखे दे ले जाता। स्थानीय लोगों की माने तो इस घटना की भूमिका उस दिन से बनने लगी थी, जब मृतक के दादा की मौत हो गई थी। उनके कीमती पीतल के बर्तनों के बंटवारे को लेकर कई बार चाचा और भतीजे के बीच मारपीट तक हो चुकी थी, पर एक लोटा, थाली और एक छोटे से कच्चे मकान का बंटवारा नहीं हो पाया। और यही चीजें सियाराम की जान की दुश्मन बन गई। मामला था जो इनका बाबा था, एक महीना काल पहले गुजर चुका था। अब इनका कुछ घरेलू मसले में दाई का घर, जहाँ दाई रहती थी दाई बाबा सीपरवा में, तो क्या कहते उस पर खपरे अपरे उतने, उसी में चाचा भतीजे का विवाद चला रहा था, आज उसका मॉडल कर दिया। गांव के लोग इस वारदात के बाद खौफजदा हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के घरों में छापा मारा, लेकिन उससे पहले ही कातिल चाचा घर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दोनों भाइयों में, इनके लड़के जो हैं आपस में बात कर रहा हूँ,
जो मृतक है उसको कपड़े उपड़े उखाड़ रहा था और दूसरा पछवाना कर रहा था, इसी पर झगड़ा हुआ है। फिर वो लौड़ा तो लोगों ने कुल्हाड़ी से, जो पता लग रहा है कुल्हाड़ी से मार दिया। इसी गाड़ी पूरी तैयारी की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है, बस लगाई जा रहा है, टीम बनाई जा रही है, पुलिस अभी गिरफ्तार की। पुलिस इस घटना की वजह पारिवारिक बंटवारे का विवाद मान रही है, पर परिवार के मुताबिक सियाराम की मौत का जिम्मेदार वो पीतल का लोटा और थाली बना जिसका बंटवारा नहीं हो पाया। यानी बंटवारे की आग ने पूरे परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर, समाचार प्लस। वो तीन बच्चों का पिता है, मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन गलत कामों का विरोध करना उसके लिए भारी पड़ गया। उसे मिली एक खौफनाक सजा। ये सजा देने वाला और कोई नहीं बल्कि कानून का एक रखवाला है, जिसने उसकी हिम्मत अफजाई करने के बजाय फरमान सुनाया। जी हां, जंजीर और बेड़ियों में जकड़ने का फरमान। बेड़ियों और जंजीर में जकड़े इस शख्स को गौर से देखिए। हालात का मारा बेबस है और परिस्थितियों का शिकार भी, क्योंकि जो अपने थे उन्होंने ही उस काम में साथ नहीं दिया जो सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। मामला मिर्जापुर के गांव लूसा का है, जहां के रहने वाले बद्री यादव को एक खबर मिली थी कि प्राइमरी स्कूल में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। बस इस बात उसकी आंखों में चिंगारी भड़का दी। बद्री ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल को जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था, बद्री के तमाचे से बौखलाए प्रिंसिपल ने मडियान थाने में दरोगा से शिकायत कर दी, जिसके बाद दरोगा ने फरमान सुना दिया। बद्री के घर वालों और गांव के लोगों को दरोगा ने बेड़ियों और जंजीरों से जकड़ने के आदेश दिए। बेड़िया बानी है, हमारा भाई बाना है और एक पाड़े का लड़का है नन्हा है, और बेड़ी इसीलिए बांधी गई है कि स्कूल में हमने जाकर के मास्टर को गाली दिया है, और इसीलिए हमको बेड़ी बांधे हैं। हमारी औरत ने बेड़ी बनवाई है। अच्छा, किस मामले को लेकर के कहा लिए गाली दी? मामला यही है कि स्कूल में बलात्कार होता है, हम उसको रोकना चाहते हैं, सब रोकने नहीं देते। वही लूसा गांव के लोग और घर वालों का अलग ही राग है। घर वालों के मुताबिक बद्री पागल है, इसलिए पुलिस ने बेड़ियों और जंजीर से बांधने के आदेश दिए हैं। लेकिन इस मां की ममता जब आंखों से आंसू बनकर छलक पड़े तो इसने हकीकत पर से पर्दा उठा दिया। हमें तकलीफ होता लेकिन क्या करें, हम बड़ा हजमंझर में इनके परल साहब नहीं तो हमारे जेल ले जाओ, यही से हम लगवाए। पुलिस के डर से ही आपने ये लगवाया? हकीकत जो भी हो, लेकिन क्या यही पुलिस का इंसाफ है जो बिना छान भी इस नतीजे पर पहुंच गए कि बद्री पागल है? और इसे बेड़ियों में जकड़ देना ही ठीक है। बहरहाल इस वाक्य ने बद्री और उसकी मां को तोड़कर रख दिया है, जो आंसू बनकर छलक रहा है। अंकित पांडे, मिर्जापुर, समाचार प्लस।
एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है, बेहतरी समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स क्लास रोजाना शाम 5:30 और सुबह 9:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार, सिनेमा से जुड़ी गाजियाबाद में सामने आई डीपीएस प्रबंधन की लापरवाही, बस में नहीं था स्कूल का स्टाफ, बच्ची को अकेला पाकर ड्राइवर और कंडक्टर ने की रेप की कोशिश। कांग्रेस विधायक नावेद मियां ने आजम से बताया जान को खतरा, कैबिनेट मंत्री के ट्रस्ट में करोड़ों रुपए आने पर भी उठाए सवाल। एक बेगुनाह गरीब को झूठे मामले में फंसा रही थी पीलीभीत पुलिस, कोर्ट में पोल खुलने के बाद पुलिस के चंगुल से छूटा पीड़ित। मुगलसराय में दिल दहला देने वाला हादसा, तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत, पूरे इलाके में शोक की लहर। लखनऊ के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली वैज्ञानिक की लाश, मौत की वजह का खुलासा नहीं। झांसी में मनरेगा योजना में जमकर की जा रही है धांधली, मृतकों और सरकारी कर्मचारियों के नाम पर भी बनाए गए जॉब कार्ड। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन दहाड़े मनमोहन सिंह, विपक्ष पर साधा निशाना, सीएजी के लिए जताया सम्मान। संसद के बाद अब सड़क पर लड़ने के लिए बीजेपी तैयार, सुषमा का बयान, सरकार को रद्द करने ही होंगे कोल ब्लॉक के लाइसेंस। और पोलियो उन्मूलन अभियान में शिरकत करने आगरा पहुंचे मोहम्मद कैफ, स्कूली बच्चों की साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर डीपीएस स्कूलों ने उड़ाई है नियमों की धज्जियां, एसपी ट्रैफिक के नोटिस को भी किया नजरअंदाज, स्कूल बस में नहीं था डीपीएस का स्टाफ, बच्ची के साथ रेप की कोशिश का ये मामला है, बच्ची को अकेला पाकर रेप की कोशिश की है बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने। 6 साल की थी ये मासूम बच्ची, 6 साल की बच्ची है और इसके साथ ड्राइवर और कंडक्टर ने रेप करने की कोशिश की। आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, 10 दिन पहले ही एसपी ट्रैफिक ने नोटिस भेजा था, लेकिन इस नोटिस को भी अनदेखा किया गया, स्कूल बस में बच्चों के साथ मौजूद हो स्टाफ, ये कहा गया था इस नोटिस में।
आगे देखिए आपका शहर आपकी खबर।